मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। पुणि 360 डिग्री बदलिला बिहार राजनीति। पुणि एनडीए को फेरिले नीतीश, नवम थर पाई बिहार मुख्यमंत्री भावे नेले शपथ। नुआ सरकार रे बीजेपी रु दुई जन उपमुख्यमंत्री। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एमिति पुणि थरे बदली गला बिहार राजनीति। बिहार मुख्यमंत्री भावे नवम पाली आरंभ करिछंति नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमारंक सह बिहार बीजेपी रो दुई जण वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ओ विजय सिन्हा भी उपमुख्यमंत्री भावे शपथ नेइछंति। एमानंकु मिसाई नीतीशंक नुआ टीम रे मोट नौ जण मंत्री पदर शपथ नेइछंति। एमानंक मध्यरे अछंति जेडीयू रो श्रवण कुमार, विजय चौधरी ओ विजेंद्र यादव, बीजेपी रो प्रेम कुमार, हम दलर संतोष कुमार सुमन ओ स्वाधीन विधायक सुमित सिंह। गला दुई दिन हला बिहार रे जारी राजनैतिक भूमिकंप भितरे रविवार सकाळे राज्यपालंकु भेटी मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देले नीतीश कुमार। एथिसह राज्य रे 17 मास पुरणा महागठबंधन सरकार अंत हला। राजभवन रु बाहरिले नीतीश कुमार, मुहरे थिला प्रसन्नता, चिराचरित ढंग रे बयान रखिले। आरजेडी थारु अलगा हेबारो कारण गणाइले। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। इस्तफा देबा पूर्व नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों को बैठक रे कहिथिले एबे सांगरे रहिबा कष्टकर आउ एबे समय इस्तफा देबार। इस्तफा देबा परे एनडीए विधायक दल बैठक रे शामिल हेले नीतीश कुमार। सेठारे तांकु विधायक दल नेता भाबे चयन करा गला। तापरे पुणि थरे राज्यपाल को भेटबा को गले नीतीश आउ सरकार गठन करबा को दाबी उपस्थापन कले। तांको सह एनडीए रो सबु विधायक भी राजभवन रे पहुंचिले। राज्यपाल को देखिबा समर्थन पत्र रे थिला 128 जण विधायकों को दस्तखत, 78 जण बीजेपी, 45 जण जेडीयू, हम दल रो 4 जण ओ जणे स्वाधीन विधायक। नीतीशंक इस्तफा ओ एनडीए को फेरबा नै तांको दल जेडीयू एवं बीजेपी नेतांको स्वागत बयान भितरे सामना को आसिला विरोधी आरजेडी, कांग्रेस ओ अन्य दल रो नेतांको नीतीश ओ बीजेपी विरोधी कटाक्ष। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता। नीतिगत विरोध था है संभवतः, अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग एक सफल निर्णय हो। सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। डिसीजन तो पहले ही तैयार कर लिया था, तो ये हमको तो लग रहा था 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था ये तो छोड़ के चले जाएगा, लेकिन अपने को अपनी तैयारी करना है, हम लड़ते रहेंगे। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है, अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मात्र 50 दिन आउ बिहार रे संपूर्ण बदली गला राजनैतिक समीकरण। कथाला बिहार रे एनडीए ठारु अलगा हेबा परे गत डिसेंबर 10 तारीख रे प्रथम थर अमित शाह ओ नीतीश कुमार गोटिए मंच रे गोटिए कार्यक्रम रे जोग देथिले। सरकारी कार्यक्रम थिला किंतु गृहमंत्री को जोरदार स्वागत कले नीतीश कुमार। आउ एही साक्षात्कार रो दिन केटा परे ही
ବିହାରରେ ଅଚାନକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ। ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ପାଟନାରୁ ଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲଲନ ସିଂଙ୍କୁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ନିଜେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଇଏ ସେହି ଲଲନ ସିଂ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜେଡିୟୁ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ। ଲଲନ ସିଂ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁର ନିକଟତା। କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ତ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ବଦଳରେ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ବିଜେପି। ଏ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ଭିତରେ ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏର ମେଣ୍ଟ ସାଥୀ ଲୋକଜନଶକ୍ତି ରାମବିଳାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭେଟିଲେ, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ବୟାନ ରଖିଲେ, କହିଲେ ସେ ଏନ୍ଡିଏରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।